OnePlus Nord या iPhone 8, दोनों में से कौन सा फास्ट है? इस वीडियो में हम स्पीड टेस्ट करके देखने वाले हैं कि क्या OnePlus का नया प्रीमियम मिड रेंजर एप्पल के 2 साल पुराने फ्लैगशिप को टक्कर दे सकता है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये OnePlus Nord 8GB RAM वाला वेरिएंट है, और बाय द वे Nord के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर आने वाले हैं, तो वो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अब लास्टली फटाफट एक बार दोनों फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो OnePlus Nord में हमें Snapdragon 765 चिप देखने को मिलता है 6, 8 या 12 GB RAM के साथ, और इसका स्टोरेज टाइप सिर्फ UFS 2.1 है। और टू बी फ्रैंक, ये सबसे बेस्ट तो नहीं है, एंड आई विश OnePlus ने UFS 3 का इस्तेमाल किया होता, बट फिर कोई नहीं यार। बाय द वे, इसका डिस्प्ले 90Hz पर सेट है और इस पूरे स्पीड टेस्ट के दौरान 90Hz पर ही चलने वाला है। ऑन दी अदर एंड, iPhone 8 में Apple का A11 Bionic चिप देखने को मिलता है, और ये आज भी काफी काबिल चिप है गाइस। और अगर OnePlus इसके नेक टू नेक भी परफॉर्म किया, इफ नॉट बेटर, तो आई गेस वो काइंड ऑफ एक विन है Nord के लिए। RAM तो इसमें सिर्फ 2GB RAM देखने को मिलता है, यानी कि जो Nord का वेरियंट है हमारे पास उसमें से 4 गुना ज्यादा RAM होने वाला है, तो देखने में बड़ा मजा आएगा कि कैसा आईफोन आकर RAM को मैनेज करता है। बैटरी वाइज हमें OnePlus में 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि iPhone 8 में 1821 mAh की बैटरी। एनीवेज, अब सीधे स्पीड टेस्ट में चलते हैं। सो पहले दोनों फोन्स को बूट कर देखते हैं कि पहला कौन सा बूट होता है। तो गया, लेकिन Nord भी बहुत ही क्लोज था गाइस। सो बैकग्राउंड में कोई भी ऐप खुला नहीं है, और दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो पहले कैलकुलेटर खोलते हैं, और दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सेम टाइम में खुल गया। अब नेक्स्ट गूगल कैलेंडर खोलते हैं, एंड Nord हल्का सा फास्ट था यहाँ पर, एंड अगेन इंस्टाग्राम में सेम चीज देखने को मिली। Nord ने कंटेंट को तेजी से लोड किया, एंड 8 ऑलमोस्ट 1 सेकंड लेट था। नेक्स्ट फेसबुक खोलते हैं, और अगेन Nord ने पहले ओपन किया। वाओ, मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ ये देखकर। एनीवेज, नेक्स्ट बैकड्रॉप्स को ओपन करते हैं, जो कि एक वॉलपेपर ऐप है, एंड वाओ, OnePlus ने काफी जल्दी ओपन किया इस ऐप को आईफोन के मुकाबले। अब दोनों के रेस्पेक्टिव ऐप स्टोर को खोलते हैं, एंड अगेन OnePlus Nord फास्टर था। और Netflix खोलते हैं, एंड अगेन Nord फास्टर था। Spotify खोलते हैं, और Nord ऑलमोस्ट हाफ अ सेकंड फास्टर था। Twitter खोलते हैं, एंड इस बार ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सेकंड तक का फर्क देखने को मिला Nord और iPhone 8 के बीच में। अब Ludo King ओपन करते हैं, जो कि एक गेम है, और इस बार दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। अब Amazon खोलते हैं, और फिर से Nord ऑलमोस्ट 1 सेकंड तक फास्ट था। अब वो मोमेंट आ गया है दोस्तों, PUBG Mobile। क्या Nord इस गेम को iPhone से जल्दी खोल सकता है? और वाओ, इस बार आईफोन ने पहले लोड किया गेम, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 सेकंड का फर्क था। और सच बोलूं तो मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि आईफोन 8 जल्दी ओपन करेगा, एंड वेल, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब जियो 7 ओपन करते हैं, और Nord ने पहले ओपन किया, एंड लास्टली क्रॉक को ओपन करते हैं। फिर से ऑलमोस्ट दोनों फोन सिमिलर टाइम में ओपन किए क्रॉक को। सो पहला राउंड खत्म हो चुका है गाइस, और मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूं दिस, मैंने फ्रैंकली। एनीवेज, अब दोनों फोन्स की रैम को चेक करते हैं, एंड आई डोंट रियली थिंक आईफोन 8 इस राउंड में ज्यादा टिक पाएगा Nord के मुकाबले, बट लेट्स सी। जैसे आप देख सकते हो, iPhone 8 थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ऐप्स को बैकग्राउंड में होल्ड करने हैं, बट ये आफ्टर ऑल एक्सपेक्टेड ही था, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आजकल ऐप्स के साइज इतने बढ़ चुके हैं और इतने रिसोर्स इंटेंसिव हो चुके हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के बावजूद 2GB RAM अभी के टाइम में सिंपली बस नहीं है।